ओके फ्रेंड्स, अभी ग्रीन सिनेमा अवार्ड्स में वाकई में जो डिजर्व करता है ग्रीन सिनेमा अवार्ड्स में आना, परफॉर्म करना और यहाँ पे अप्रिसिएशन पाना, ऐसी एक हस्ती हमारे सामने देखिए, सर से पाँव तक ग्रीन है ये और साथ में गोल्डन भी होकर के आई है कि अब हमारा सुनहरा भविष्य शुरू होगा कोरोना काल के बाद में, तो उस तरह से बिल्कुल बन करके आई है। ग्रीन सिनेमा अवार्ड्स के बारे में बताओ और अपने परफॉर्मेंस जो आपने की है वो भी बताएं प्लीज। सबसे पहले नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ ग्लोरी मोहंता, बाकी सब डिटेल्स तो इन्होंने दे ही दिया है। और यस, मैं जान के ग्रीन बन के आई हूँ, सोचा कि अगर मैं ग्रीन बन के आऊँ तो शायद मुझे भी एक अवार्ड मिल जाए, तो ग्रीन सिने अवार्ड मैं खुद ही अवार्ड बन के आई हूँ गोल्ड के साथ। एंड मैं सबको यही चीज बोलूंगी, कोरोना निकल गया है उसके बावजूद भी अगर हम लोग यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हम लोग वापस से स्टार्ट कर रहे हैं, इट मीन्स वी ऑल हैव द विल पावर टू लिव आर लाइफ। सो थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने जो हम लोग को मोटिवेशन दिया है और हम लोग जो आपको मोटिवेशन दे रहे हैं, ऐसे ही लाइफ एंजॉय कीजिए और बी हैप्पी। आपको ऐसा लगता है कि ऐसे भोजपुरी अवार्ड फंक्शंस और भी होने चाहिए, या ये जो अवार्ड फंक्शन है, इस तरीके के जो भोजपुरी अवार्ड फंक्शंस हैं, उसका भोजपुरी सिनेमा को क्या योगदान होगा या क्या बेहतरी हो सकती है आपके हिसाब से? देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगी कि एक से ज्यादा हो या कम हो, बट जब भी अवार्ड शो हो, सबका एक ही मोटिव हो कि सब में यूनिटी बना रहे, और हम लोग यही चाहते हैं हर आर्टिस्ट पे, चाहे वो लेडीज हो, जेंट्स हो, चाहे विलन हो, आइटम डांसर हो, सब इक्वल है, सबको परफॉर्मेंस करने का हक है एंड वी बिलीव इन इक्वालिटी। तो हम लोग इसी के लिए अवार्ड शो करते हैं कि कोई छूटे ना, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, जैसा भी हो, हर टाइम के हिसाब से सबको हम इम्पोर्टेंस देते रहे। क्या बात है, और ये यूनिटी से भोजपुरी सिनेमा को भी फायदा होगा और हमारी भोजपुरी सिनेमा और भी ज्यादा आगे बढ़ेगी। गुंजन सिंह जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ ग्रीन सिनेमा अवार्ड्स में, इन्हें बेस्ट राइजिंग स्टार का अवार्ड मिला है। हम चाहेंगे आप स्वयं बताएं जनता जनार्दन को कौन सी फिल्म के लिए आपको मिला है और अपने बारे में कुछ बताएं प्लीज। ये अवार्ड जे बा हमारे दर्शक सबके जे हमारा कितना पसंद करे ले गाना से फिल्म के, जैसे हमारे फिल्म आयल रहे नसीब, खुददार उड़ान, अभी आया है एक मिस्टर नौटंकी बाज, और एक अभी बनने वाली पिक्चर तीन चार है उसमें एक पवन भैया के साथ हमारे फिल्म के मुहूर्त बैलबा जिगर के टुकड़ा, बहुत बड़ी फिल्म है और हम दोनों भाई इस बार इस पिक्चर में आ रहे हैं, जो कि दर्शक इंतजार कर रहे थे कि कब दोनों पवन सिंह और गुंजन सिंह की जोड़ी आवे, तो बहुत जल्द सब दर्शकों के बीच में ये फिल्म आएगी। आपकी जो भोजपुरी है इतनी मीठी है, मतलब कानों में शक्कर घुल गया, शहद घुल गया, मुझे लगता है जो सुन भी रहे होंगे जनसाधारण एकदम उनके कानों में आपने शहद, आपको बोलने का जो अंदाज है, इतने मृदुभाषी हैं आप, मीठी भोजपुरी बोलते हैं, आपके मुंह से कुछ ज़्यादा ही मीठी लग रही है। तो एक जो मुझे बात बार बार महसूस हो रही थी इतने सालों से कि पूरी दुनिया में एक थॉट है, एक सोच है कि अगर जब भारत जो गाँव में बसता है तो गाँव की बोली जो है वो भोजपुरी है, ठीक है, ये एक पहचान है पूरी दुनिया में, लेकिन उसके बावजूद हमारी जो 23 भाषाएं हैं भारत की, उसमें से एक भाषा का सम्मान अब भी भोजपुरी भाषा को नहीं मिला है। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि भी अब तक हमें बोली कहा जाता है भोजपुरी को, मगर भाषा का सम्मान अब तक भारतवर्ष में भोजपुरी को नहीं है, तो ये क्या मिलना चाहिए, कब मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? भोजपुरी तो अभी सच में पूछा जाए तो पूरे देश में हिंदी के बाद इसी का नंबर है, दोनों बहनें हिंदी, हाँ बहन है, एक दूसरे के बिना नहीं, हाँ नहीं रह सकते, पूरे देश में ही नहीं विश्व में सुना जा रहा है भोजपुरी, और इस भाषा कुछ जगह पे इसको पहुंचाना है, और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी से ये बातचीत हो रही है, सभी लोग कर रहे हैं।